सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी को। मैं हूं मनोज मेहरा, पेश है मेरा न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोन एडवाइजरी में। दोस्तों, हमने MI बैंड HRX एडिशन की एक वीडियो बनाई है, उसमें इसकी सभी स्पेसिफिकेशन दी है। दोस्तों, कई दर्शकों ने हमसे मांग की कि इसकी MI बैंड 2 से तुलना करें, तो दोस्तों इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, MI बैंड 2 और MI बैंड HRX की अगर हम तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क है इनके प्राइस में। MI बैंड 2 मिलता है 1999 में, MI बैंड HRX मिलता है 1299 रुपए में। दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंस है, प्राइस में डिफरेंस क्यों है, आइए हम जानते हैं। पहला जो डिफरेंस है दोस्तों, MI बैंड के अंदर आपको टाइम देखने के लिए OLED डिस्प्ले मिलती है, स्टेप काउंटर मिलता है, हार्ट रेट सेंसर मिलता है, साथ ही कैलोरी रीडर और भी कुछ फंक्शन है। हम MI बैंड HRX की बात करें, आपको टाइम के लिए OLED डिस्प्ले मिलती है, स्टेप काउंटर मिलता है, कैलोरी मिलता है। दोस्तों, यहाँ हार्ट रेट सेंसर मिसिंग है, यही सबसे बड़ा फर्क है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, MI बैंड 2 और MI बैंड HRX दोनों की ही मशीनरी बिल्कुल सेम है, बस MI बैंड 2 में आप देख सकते हो यहाँ ग्रीन कलर की जो लाइट पड़ रही है दोस्तों, ये हार्ट रेट सेंसर की लाइट है, ये यहाँ मिसिंग है, इसलिए इसका प्राइस कम है। तो जो मेन डिफरेंस है MI बैंड 2 और MI बैंड HRX में, वो है इस हार्ट रेट सेंसर का, जो यहाँ इस कैप्सूल के नीचे लगा हुआ है, ये आपकी कलाई से आपकी हार्ट रेट को सिंक करता है। दोस्तों, अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो MI बैंड 2 में आपको 20 डे बैटरी लाइफ मिलती है और MI बैंड HRX में 23 डे। दोस्तों, MI बैंड 2 में चूंकि हार्ट सेंसर है इसलिए बैटरी थोड़ी ज़्यादा लगती है, MI बैंड HRX में हार्ट सेंसर नहीं है इसलिए यहाँ बैटरी कम लगती है। दोस्तों, मैं MI बैंड 2 को यूज़ करता हूँ, यहाँ इन्होंने 20 डे बैटरी लाइफ बोली है, लेकिन उसकी बैटरी लाइफ लगभग 14 से 15 दिन चलती है। इस हिसाब से HRX में आपको लगभग 18-19 दिन की बैटरी मिल जाएगी, वैसे ये काफ़ी सफिशेंट है। दोस्तों, अगर हम इसके फीचर की तुलना करें तो दोनों में सेम फीचर है, आप दोनों को अगर अपने बैंड से आपके मोबाइल को कनेक्ट करके सेटिंग में ऑन करते हैं तो फ़ोन को बैंड के पास लाने पर आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपका फ़ोन आपके बैग में या कमरे में कहीं और रखा है, आपको कोई कॉल SMS या WhatsApp मैसेज आता है तो आपकी स्क्रीन पर सिंबल आ जाएगा, कॉल है, WhatsApp है, मैसेज है, और आपका बैंड वाइब्रेट करके आपको इंडिकेट करेगा। साथ ही अगर आपका बैठने का काम है, आप 1.5 से 2 घंटे तक बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको ये हर 1.5 से 2 घंटे के अंदर वाइब्रेट होकर इंडिकेट करेगा कि आप उठे, थोड़ी देर चले और पानी पिए, ये फंक्शन इन दोनों में सेम है। इसी प्रकार दोस्तों, आपकी स्लीप को ये सिंक करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आप कैसा सो रहे हो, कितनी देर से सो रहे हो, कितनी जल्दी उठ रहे हो, आपके सोने का उठने का समय, बीच में आप कितनी देर उठ रहे हो वो समय, साथ ही आपने कितनी लाइट स्लीप ली, कितनी डीप स्लीप ली, स्लीप की आपकी क्वालिटी कैसी थी, ये आपको सिंक करके बताता है, डे वाइज, वीकली, मंथली कंपैरिजन में बताता है, ये फंक्शन इन दोनों में ही सेम है। दोस्तों, दोनों ही बैंड IP67 स्प्लैश रेजिस्टेंस है, पानी में हाथ धोने, बैंड पहन के नहाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैंड वाटर प्रूफ है, साथ ही ये डस्ट प्रूफ है, स्प्लैश प्रूफ है, तो काफ़ी सॉलिड है, आप इसको लगातार पहन सकते हो, आपको इसको उतारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोनों ही दोस्त तो टेस्ट किए हैं, गर्मी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंड में -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोस्तों ड्रॉप टेस्ट में 1.2 मीटर। तो दोस्तों, काफ़ी मजबूत है, आप किसी भी मौसम में किसी भी हालात में दोनों को ही पहन सकते हो, दोनों ही ये टेस्ट किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम इसके चार्जिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों का जो फिजिकल ओवरव्यू बिल्कुल सेम है, बैंड की जो कैप्सूल है उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा दबाव डालने पर वो कैप्सूल बाहर आता है, ये आप देख सकते हो, चार्जिंग केबल है, इसमें आप इसको लगाकर आपके सामान्य चार्जर से कनेक्ट करके इजीली चार्ज कर सकते हैं, दोनों में ही यह प्रोसेस सेम है। दोस्तों, अगर हम कलर की बात करें, MI बैंड 2 आपको ब्लैक कलर में मिलता है, उसके बाद आप ऑरेंज, ग्रीन कलर के जो स्ट्रीप है 299 कीमत पे MI स्टोर से ले सकते हो। इस प्रकार MI बैंड HRX में भी आपको ब्लैक कलर के साथ बैंड आएगा, एक कलर और है ये ब्लू, अगर आपको ये कलर लेना है तो 299 में आपको MI स्टोर से लेना होगा। दोस्तों, अगर हम
ऐप की बात करें तो MI फिट ऐप दोनों में ही यही ऐप यूज़ होती है दोस्तों। इस ऐप में आप कितनी स्टेप चलते हैं, उसका एवरेज, एक दिन में आपने कितनी कैलोरी बर्न की, कितनी स्टेप चली, वो आपको डे वाइज, वीकली, मंथली बताता है। साथ ही आपकी स्लीप क्वालिटी को भी डे वाइज, मंथली, वीकली बताता है, कंपेयर करता है, आपको टारगेट देता है कि आपको इतना चलना है, आपका वेट का लूजिंग टारगेट रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोनों में सेम है और काफ़ी बढ़िया ऐप है और काफ़ी बढ़िया दोस्तों ये बैंड है। मैं लगभग पिछले 8 महीने से MI बैंड 2 को यूज़ कर रहा हूँ, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। साथ ही इसमें एक खास फीचर है, वो है अलार्म का दोस्तों। अगर आप इन बैंड में अलार्म सेट करते हैं ऐप की मदद से, तो सुबह यह बैंड वाइब्रेट होता है, आप इसे इसका बटन टैप करके वाइब्रेट बंद कर दें तो हर 5 मिनट में ये वाइब्रेट होता रहेगा। जब तक आप उठेंगे नहीं, ये वाइब्रेट होना बंद नहीं करेगा। जब आप उठकर कुछ कदम चलेंगे, कुछ स्टेप चलेंगे, तब ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप उठ चुके हो, तभी ये बंद होगा। तो सुबह उठने के लिए काफ़ी असरदार है दोस्तों। इन बैंड से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। MI बैंड HRX के रिव्यू की वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।